नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रवाद का स्प्रिंगिंग टाइगर, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने यह नारा ना सुना हो। ये नारा जिस महान शख्सियत का है उन्हें हम सब प्यार से नेताजी कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सबके प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका ये रोंगटे खड़े कर देने वाला नारा ना सिर्फ उनकी करिश्माई पर्सनालिटी का बल्कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेशनल मूवमेंट के ट्रेंड से उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का भी संकेत था। उस समय के गांधीवादी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाने के लिए एग्रेसिव और वायलेंट साधनों के इस्तेमाल की वकालत की। अपनी इस इच्छा और विश्वास को पूरा करने के लिए नेताजी ने एक आर्मी बनाई जिसे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लीड किया। इस आर्मी में एक्सिस पावर स्कैम्स के इंडियन प्रिजनर्स भी शामिल थे। हालांकि भारत को आज़ाद कराने का नेताजी का सपना इस फुल फ्लेश्ड आर्मी की मदद से भी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनके एक्शंस का रिएक्शन ये हुआ कि भारत में एक के बाद एक कई घटनाएं हुई और आखिरकार 1947 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उस आदमी की कहानी है जो देश के लिए कोई भी सेक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता था, जो बिना रुके अपना हर काम करता था, अपने देश से बेहिसाब प्यार करता था, जिसका ज्ञान बहुत गहरा था, लेकिन फिर भी जो एक बच्चे की तरह सिंपल था। नेताजी ने ये शब्द अपने आइडियोलॉजिकल गुरु स्वामी विवेकानंद के सम्मान में कहे थे, लेकिन ये शब्द उन पर भी बहुत अच्छी तरह से लागू होते हैं। शुरुआती जीवन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक बंगाली फैमिली में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के एक सक्सेसफुल बैरिस्टर थे। उनकी माँ प्रभावती देवी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और रिलीजियस कॉन्विक्शन की महिला थी। सुभाष का ओरिजिनल पैटर्नल होम वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कोडलिया गांव में था, जिसे अब सुभाष ग्राम नाम दिया गया है। फॉर्मेटिव इयर्स। सुभाष ने कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने बहुत जल्दी खुद को एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रूव कर दिया। अनफॉर्चुनेटली स्कूल के वेस्टर्नाइज्ड नेचर के कारण सुभाष तब तक इंडियन लिटरेचर या फिलोसफी के बारे में नहीं जान पाए। इस स्कूल में बोस ने सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री, वेस्टर्न फिलॉसफी और लैटिन की पढ़ाई की। सुभाष को भारत को जानने का मौका तब मिला जब उनका एडमिशन कटक के रेंशो कॉलेजिएट स्कूल में हाई स्कूल ग्रेड में हुआ। धोती पहने लड़कों से भरी क्लास में पैंट और शर्ट में आने वाले यह अकेले स्टूडेंट थे। उन्हें संस्कृत का एक शब्द भी समझ में नहीं आता था और बंगाली आते हुए भी वो उसे पढ़ या लिख नहीं सकते थे। शुरुआत में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनके क्लासमेट्स और टीचर्स ने वेस्टर्नाइज होने के कारण बोस का मजाक भी उड़ाया। लेकिन प्रिंसिपल बेनी माधव दास ने बोस के पोटेंशियल को समझते हुए उनकी मदद करने का फैसला किया। उनके गाइडेंस में ही सुभाष ने आखिरकार अपनी एकेडमिक डिफिकल्टीज को दूर किया और मैट्रिक एग्जाम में पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में सेकेंड आए। यह तो बस एक शुरुआत थी सुभाष के किसी इनिशिएटिव में सफल होने की। रेंशो में अपनी एजुकेशन के दौरान ही सुभाष सोशली और पॉलिटिकली जागरूक हुए। प्रिंसिपल बेनी माधव दास ने उन्हें स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर से इंट्रोड्यूस कराया, वो दो महान हस्तियां जिन्होंने सुभाष पर जीवन भर के लिए गहरी छाप छोड़ी। वे स्वामी विवेकानंद के वेदांत के एंशियंट विजडम की रीआर्टिकुलेशन से बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने भी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। एक एसिटी के लाइफ से इंस्पायर होकर बोस ने 1913 में सिर्फ 16 साल की उम्र में लगभग एक साल के लिए घर छोड़ दिया और इस दौरान पूरे भारत में अपने स्पिरिचुअल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए घूमते रहे।
लेकिन जब बोस को यह एहसास हुआ कि मोक्ष सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के माध्यम से ही मिल सकता है और पॉलिटिकली गुलाम लोग कभी मोक्ष को नहीं पा सकते, तब वो वापस घर लौट आए। बोस के सफर ने उन्हें ब्रिटिश एम्पायर में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया और इसका समाधान ढूंढने के लिए इंस्पायर किया। इन सब में स्वामी जी का संदेश उनके लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। प्रोग्रेसिव ईयर्स 1914 से 1921। 1914 में बोस ने फिलॉसफी में बीए ऑनर्स करने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तहत प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन एक साल के बाद ही उन्हें प्रोफेसर ऑर्टन के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में कॉलेज से निकाल दिया गया। ऑर्टन ने भारतीयों के खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क्स दिए और एक इंडियन स्टूडेंट की पिटाई भी की, जबकि इस इंसिडेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट बियॉन्ड डाउट नहीं थी। स्टूडेंट कम्युनिटी में उनकी एक्टिवनेस और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उनके वोकल रिमार्क्स के कारण वो पहले ही हायर अथॉरिटीज के निशाने पर थे। प्रोफेसर से माफ़ी मांगने के लिए स्टूडेंट स्ट्राइक करने के इरादे ने उनकी किस्मत को सील कर दिया। इस मौके पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी उनके रेस्क्यू के लिए आगे आए। उन्होंने सुभाष को स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन दिलाया ताकि सुभाष यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में हाई रैंक अचीव करके सफल हो सके। अपने कॉलेज के दौरान सुभाष मिलिट्री ट्रेनिंग की ओर और भी आकर्षित हुए। वो यूनिवर्सिटी कैडेट कोर में शामिल हो गए और उन्होंने मार्शल स्पिरिट को समझा। स्पिरिचुअलिज्म से तो उनका अट्रैक्शन पहले से था, अब इस मार्शल स्पिरिट ने उनकी लाइफ में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके अलावा इसी दौरान सुभाष ओडिशा में कोलेरा रिलीफ मिशन में भी शामिल हुए। अपने देश को जानना और उसके लिए और भी बेहतर तरीके से काम करना बोस के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। 1919 में बोस के पिता ने उन्हें इंग्लैंड जाने और सिविल सर्विसेज एग्जाम में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने उसी साल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्ज़विलियम हॉल में एडमिशन लिया और 1920 में एग्जाम में बैठे। बोस ने एग्जाम में फोर्थ रैंक हासिल की और मेंटल एंड मॉरल साइंसेस में मास्टर्स किया, लेकिन सुभाष ने यह सब अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए किया था। लेकिन जब बोस को पंजाब में अंग्रेजों द्वारा की जा रही क्रूएल्टी के बारे में पता चला तो उन्हें बोस को ये एहसास हुआ कि यह वो लाइफ नहीं है जो वो चाहते थे। वो दुविधा में थे, लेकिन फिर 1921 के शुरुआत में उन्होंने एक आखिरी डिसीजन लिया और स्टेट सेक्रेटरी को एक लेटर लिखकर अपनी सर्विस से रिजाइन कर दिया। अब सुभाष की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। पॉलिटिकल करियर 1921 से 1933। शिप से भारत लौटने के बाद सुभाष ने सबसे पहले बंबई में गांधी जी से मुलाकात की। वो नेशनल मूवमेंट में शामिल होना चाहते थे और इसलिए इस मीटिंग के लिए एक्साइटेड थे। हालांकि पहली मुलाकात में ही इन दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बीच की खाई उजागर हो गई, जो कि अगले दो डिकेट्स के लिए उनके रिलेशंस की खासियत भी थी। यह देखकर कि सुभाष के साथ समझौता करना मुश्किल था, गांधी जी ने उन्हें बंगाल के कांग्रेस लीडर चितरंजन दास से कांटेक्ट करने के लिए कहा। सुभाष के जीवन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कलकत्ता आकर बोस सीआर दास की पर्सनालिटी और काम से काफी आकर्षित हुए और उनके पॉलिटिकल स्टूडेंट बन गए। सीआर दास ने युवा सुभाष की पोटेंशियल को समझा और उन्हें दो अखबारों स्वराज और फॉरवर्ड की एडिटिंग जैसे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी। बोस ने 1920 से 1921 में होने वाले व्यापक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हिस्से के रूप में भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स के आने का बॉयकॉट करने के लिए कलकत्ता में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में मदद की। इसके लिए वो पहली बार गिरफ्तार किए गए। दिसंबर 1921 में जेल यात्रा की शुरुआत थी, जो अगले दो डिकेड्स तक खुद को दोहराने वाली थी। 3 महीने जेल में रहने के बाद भी सुभाष रुके नहीं, बल्कि और भी एक्टिव हो गए। 1922 में नॉर्थ बंगाल में आई बाढ़ के दौरान रिलीफ एफर्ट्स में उनके अच्छे काम और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल कामों को तब पहचान मिली जब उन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया गया। फॉर्चुनेटली 1927 तक सुभाष को रिलीज कर दिया गया।
उसी वर्ष सुभाष को न सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया, बल्कि कांग्रेस के सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी हिस्सा बनाया गया। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के दौरान सुभाष ने कांग्रेस वॉलंटियर्स कोर को बनाया, जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और एक सेमी मिलिशिया बॉडी की भूमिका निभाने के लिए थी। बोस खुद उसके जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। यह मिलिट्रिज्म के प्रति उनके एक्साइटमेंट का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था, कुछ ऐसा जिससे गांधी जी को हमेशा अनकंफर्टेबल करता था। गांधी जी के इसे सर्कस के रूप में डिसअप्रूव किए जाने के बावजूद भी बोस को इस पहल के लिए काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद सुभाष ने गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी अपनी भागीदारी जारी रखी। 1930 में वह कलकत्ता के लिए मेयर चुने गए और अपने काम के लिए काफी प्रशंसा हासिल की। बोस को 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सेकेंड फेज में शामिल होने के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया और जेल में टीबी के कारण बढ़ते उनके कॉम्प्लिकेशंस के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजने का फैसला किया, जो उनके लिए एक धोखा था। असल में बोस को डिपोर्ट किया जा रहा था। पॉलिटिकल करियर 1938 से 1941। 1938 में सुभाष भारत आए और इसके तुरंत बाद उन्हें हरिपुरा में INC के एनुअल सेशन के लिए प्रेसिडेंट चुन लिया गया। इस सेशन में सुभाष एक नेशनल प्लानिंग कमीशन के कॉन्सेप्ट को लेकर आए, जिसे USSR के 5 years प्लान्स के जैसे इंडियन डेवलपमेंट के लिए स्कीम तैयार करनी थी। नेहरू को कमेटी का हेड बनाया गया और मेघनाथ साहा और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे प्रेस्टिजियस मेंबर्स को शामिल किया गया। इस कमेटी ने भारत में इंडिपेंडेंस के बाद के प्लानिंग कमीशन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। भारत के अलग अलग पार्ट्स में ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक के फुल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोस ने खुद को डेडिकेट कर दिया। यहां तक कि 1940 में बोस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी चुने गए। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो बिना किसी से कंसल्ट किए भारत को वॉर में ले गए। बोस ने इस रेफरेंस में स्ट्रिक्ट अप्रोच की वकालत की। बोस का कहना था कि न सिर्फ सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सरकार के वॉर एफर्ट्स का सपोर्ट करने से इनकार करना चाहिए, बल्कि उन्हें ब्रिटिश कमजोरी का फायदा उठाने और भारत को आजाद कराने के लिए तुरंत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देना चाहिए। लेकिन गांधी सुभाष के इस अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। इससे सुभाष हताश हो गए और उन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पर सोचना शुरू किया। 1940 में सुभाष के मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में कलकत्ता कॉरपोरेशन शुरू हो गया था, द ग्रेट एस्केप। 23 जनवरी 1941 को सुभाष कलकत्ता से भाग निकले और एक पठान के वेश में ट्रेन से पेशावर पहुंचे। फॉरवर्ड ब्लॉक में अपने कलीग अकबर शाह की मदद से उन्होंने भगत राम तलवार से कांटेक्ट किया, एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो सोवियत जासूस के रूप में भी काम कर रहे थे। इससे पहले कि 26 जनवरी को अंग्रेजों को उनके ना होने का पता चलता, सुभाष तलवार के साथ अपने गाइड के रूप में बॉर्डर क्रॉस करने और अफगानिस्तान में एंटर करने में कामयाब रहे। काबुल में उन्होंने सेनोर ऑरलैंडो के नाम से एक इतालवी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पाने में कामयाबी हासिल की, जिसकी मदद से वो आखिरकार सोवियत संघ जाने में कामयाब हुए। हालांकि सोवियत संघ ने बोस की मदद करने से इनकार कर दिया। स्टालिन ने बोस को एक ब्रिटिश स्पाई समझा। स्टालिन ने सुभाष को जर्मनी की हवाई यात्रा की पेशकश की, जिसे उन्होंने बिना मर्जी से स्वीकार कर लिया। सुभाष अप्रैल 1941 की शुरुआत में बर्लिन पहुंचे। जापान और INA। अटलांटिक और इंडियन ओशियन में एक लंबी जर्नी के बाद सुभाष आखिरकार जून 1943 को सिंगापुर पहुंचे। तब तक राज बिहारी बोस के नेतृत्व में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ने जापानियों द्वारा पकड़े गए इंडियन सोल्जर में से इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण कर लिया था।
जापान के प्राइम मिनिस्टर जनरल तोजो ने सुभाष की हर तरफ से मदद करने का वादा किया। सितंबर 1943 को सुभाष को ऑफिशियली इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उन्होंने बहुत जल्दी काम करना शुरू किया। उन्होंने आबिद हसन, एसी चटर्जी और इन जैसे कई कैपेबल लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष की प्रेसिडेंसी में फ्री इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। इस गवर्नमेंट के पास ना सिर्फ अपनी आर्मी बल्कि अपना बैंक, करेंसी और स्टैम्प भी थे। दिसंबर 1943 में इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार आइलैंड का कंट्रोल भी सौंप दिया। फाइनली फरवरी 1944 में आईएनए ने जापानी आर्मी के साथ एलाइज के अगेंस्ट अटैक शुरू किया। अराकान का ज्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में करने के बाद आईएनए अप्रैल की शुरुआत में भारत की सरजमी पर पहुंच गया। 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग आज के मणिपुर में पहली बार भारत की जमीन पर आईएनए फ्लैग फहराया गया। शुरू में आईएनए ने तेजी से कामयाबी हासिल की और मई तक कोहिमा और इम्फाल में भयानक लड़ाई छिड़ गई। इस झटके से सुभाष की उम्मीदों पर पानी फिर गया और यूरोप में जर्मनी की हार की खबर ने उन्हें समझा दिया कि वो हार गए हैं। जनवरी 1945 में बर्मा के अगेंस्ट अंग्रेजों ने अपना अटैक शुरू किया। आईएनए को फिर से पीछे हटना पड़ा और कई लोगों ने सरेंडर कर दिया। सुभाष को खुद सिंगापुर लौटना पड़ा। The end. 15 अगस्त 1945 को पर्दा गिरा जब जापान ने अनाउंस किया कि वो एलाइज के सामने सरेंडर कर देगा। सुभाष समझ गए कि उन्हें एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। इसके बाद जो हुआ वो आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। 17 अगस्त 1945 को बोस को आखिरी बार ऑफिशियली साइगोन एयरपोर्ट पर देखा गया। वहां से वह एक प्लेन में सवार हुए। आई विटनेसेस ने बताया कि उनका लास्ट स्टॉप टोक्यो था। हालांकि र्यूमर्स थे कि वो सोवियत हेल्ड मंचूरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे। बोस की लास्ट जर्नी के आई विटनेस इस बात की गवाही देते हैं कि सुभाष और उन्हें ले जा रहा प्लेन फार्मोसा आज का ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट के कारण सुभाष बहुत ज्यादा जल गए और 18 अगस्त 1945 की शाम को जनरल हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। लेकिन इन विटनेसेस की बातों में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस थे जो तीन अलग अलग कमीशन के सामने दिए गए थे और मुखर्जी कमीशन ने 2005 में अपनी रिपोर्ट में प्लेन क्रैश थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। आज तक इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि सुभाष चंद्र बोस ने प्लेन क्रैश के कारण 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में अंतिम सांस ली। परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर में सभी आईएनए सोल्जर और ऑफिसर्स ने अलाइज की ताकत के सामने सरेंडर कर दिया। तीन ऑफिसर्स शाहनवाज खान, जीसी ढिल्लो और के सहगल को देशद्रोह के आरोप में मुकदमे के लिए और कोर्ट मार्शल के लिए दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इसने पूरे देश में जनमत को इनग्राइट किया। लोग सड़कों पर उतर आए और आईएनए ऑफिसर्स पर मुकदमा चलाने के लिए स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। यहाँ तक कि कांग्रेस भी आईएनए के सपोर्ट में आ गई। लाल किले के मुकदमे में आईएनए ऑफिसर्स के बचाव में भूला भाई देसाई जैसे कांग्रेसी एडवोकेट्स ने लड़ाई लड़ी। पब्लिक ओपिनियन की ताकत ऐसी थी कि जब उन्हें दोषी ठहराया गया तो इन तीनों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ द्वारा माफ कर दिया गया। जल्द ही रॉयल इंडियन नेवी में प्रोटेस्ट हुआ। आर्मी की कुछ यूनिट्स में चिटपुट प्रोटेस्ट भी हुए। अंग्रेजों को अब यह एहसास हो गया था कि आर्मी भी उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है और इसके बिना वे भारत पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके कारण आईएनए सपोर्टर्स और नवल म्यूटिनिटी के प्रोटेस्ट हुए। इसने राज के आखिरी बचे हुए वफादार गढ़ों में से एक को इफेक्टिवली हिला के रख दिया। व्यूज और आइडियोलॉजी।
सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भगवद गीता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए इंस्पिरेशन का एक बड़ा सोर्स थी। इसमें वो स्वामी विवेकानंद के वेदांत से काफी इंस्पायर्ड थे। इनर रिलीजियस खोज पूरे समय उनके जीवन का अंग बनी रही। हालांकि स्टेट की पॉलिसी के रूप में सेक्युलरिज्म के सपोर्टर और इकोनॉमिक ओरिएंटेशन के लेफ्टिस्ट होकर भी वो हमेशा ईश्वर में विश्वास करते थे। उल्लेखनीय कार्य। सुभाष चंद्र बोस ने एज अ राइटर ज्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन जितना भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। उनकी सबसे फेमस बुक्स में से एक है द इंडियन स्ट्रगल, जो 1919 से 1934 तक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री थी, और एक बायोग्राफी द इंडियन पिलग्रिम, जिसमें 1897 से 1919 तक की उनकी लाइफ को कवर किया गया। इसके अलावा बंगाल में लिखे गए उनके एसेज और लेटर्स का एक कलेक्शन टोरिनेर स्वप्नो द ड्रीम ऑफ ए यंग मैन किताब के रूप में पब्लिश हुआ। लीगेसी। सुभाष चंद्र बोस को आज नेताजी के नाम से याद किया जाता है। उनके नाम पर कई पब्लिक रोड्स, पार्क और सर्विसेज का नाम रखा गया है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को अब इंडियन गवर्नमेंट पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर, जो अभी भी जारी है, इंडिया गेट पर उनका एक पर्मानेंट ग्रेनाइट स्टैचू इंस्टॉल किया जा रहा है। कोलकाता में नेताजी रिसर्च ब्यूरो उनकी राइटिंग, आर्टिफैक्ट्स और यहाँ तक कि उनके घर को भी प्रिजर्व करके उनकी यादों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। निष्कर्ष। सुभाष चंद्र बोस या नेताजी आज भी अपने लाखों देशवासियों को इंस्पायर करते रहते हैं। देश के लिए उनके बलिदान की ये कहानी सभी भारतीयों को इंस्पायर भी करेगी और आंखों में आंसू भी लाएगी। उनका नारा स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है, हमें याद दिलाता है कि आजादी पाना कभी आसान नहीं होता। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उनकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में अवतरित होगा। नेताजी अपने विचार, अपने इनकार्नेशन के माध्यम से हमेशा अमर रहेंगे।